आज फिर हाजिर हो गए हैं आपके सामने एक शानदार टॉपिक लेके। मौलिक अधिकार, ये पॉलिटी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप जानते हैं मौलिक अधिकार से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो पॉलिटिक्स क्वेश्चन आते हैं तो मौलिक अधिकार से क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसी को इंग्लिश में फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार और हिंदी में मौलिक अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताऊँ पहले इसमें को हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से देखेंगे और उसके बाद मैं और चीज़ें दिखा देता हूँ। एमसीक्यू इसको कंप्यूटर नोट्स के माध्यम से हम देखेंगे। देखिए कितना बेहतरीन पूरा जो है सब कुछ आपका दो बार रिवाइज में करवाऊँगा इस वीडियो में, और उसके बाद ढेर सारे हम एमसीक्यू भी देखने वाले हैं। मैं आपको एमसीक्यू भी दिखा देता हूँ, फिर आपको मूल अधिकार संबंधित एमसीक्यू आपको देखे मिल जाएंगे कितने लगभग प्रीवियस ईयर पेपर कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है किसी ने किसी पेपर में पूछे गए हैं, देखिए आपको दिख रहा है एसएससी में किसी भी परीक्षाओं में जो बार बार पूछे गए उसी को इसमें शामिल किया गया। लगभग कितने 56 क्वेश्चन हैं इसमें लगभग आपको मिलने वाले हैं। कम समय में आप ये चीज़ें देखेंगे और सब कुछ आपको एक समराइज वे में एक ही वीडियो मिलने वाला है, तो बने रहें आप हमारे साथ। तो प्यारे साथियों पहले हम जान लेते हैं इसका उल्लेख कहाँ पर है संविधान में। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। अब मौलिक में याद कीजिए अधिकार तो सब में, लेकिन मौलिक में अक्षर कितने होते हैं आप बताओ, 3 तो 21 में है, भाग 3 में है। अब बात करते हैं कब 12 से 35 तक 6 मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। एक पहले 7 थे उनको कौन हटाया गया, इन सबकी भी चर्चा करूँगा। पहले मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन अब 6 ही हैं, इनकी भी चर्चा की जाएगी, बस आपको ध्यानपूर्वक देखते रहना है। समानता का अधिकार जो है किस में है, 14 से 18, अभी मैं याद भी करा दूंगा। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक के। अभी एक एक अनुच्छेद के बारे में बात चर्चा होगी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितना, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। और वहीं संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 में बात किया गया है। और नेक्स्ट है बात होती है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें, अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक एक एक का मतलब जानेंगे। अब आपको बता दूँ यहाँ पर समता का अधिकार, देखिए यहाँ सम संख्या दोनों में है, देखिए 14 18 दोनों सम, और किसी में जो है दोनों सम संख्याएं नहीं, आप देख सकते हैं। तो इसको याद करते 14 से 18 में समता का अधिकार है। और एक बार चीज़ें लिख के आप याद करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा रिटेन होती हैं। अब बात करते हैं 12 में क्या है, 12 में क्या है, किसकी परिभाषा, तो राज्य की परिभाषा दी गई है 12 में। किस में राज्य की परिभाषा दी गई है मौलिक अधिकारों के, उसमें तो बताओ 12 में। और एक किस में 36 में भी जो है राज्य की परिभाषा दी गई है, तो ये क्वेश्चन जरूर याद कर लेना है। और नेक्स्ट बात करते हैं 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करना, इसका मतलब क्या है, मूल कोई भी नियम कानून बनता है उसमें कोई भी भाग मूल अधिकार का यदि उल्लंघन करता है तो वो पार्ट स्वतः ही जो है खत्म हो जाएगा, ये बात कहा गया 13 में। अनुच्छेद 13 कितना इंपॉर्टेंट, कोई भी अधिकार आपके के लिए बनता है, कोई भी नियम कानून बनता है या तो मूल अधिकारों का हनन कर रहा है तो वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। और यदि पूरा जो है मूल अधिकार को हनन कर रहा है तो पूरा जो है वो रूल स्वतः रद्द हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें देखिए समता में 4 अनुच्छेद, चारों की चर्चा कर लेते हैं। समानता या समता का अधिकार 14 से 18 तक, कानून के समक्ष जो है समता यानी विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण, विधि के समान समानता किस कहाँ से, ब्रिटेन से, लेकिन विधि के समान संरक्षण ये बात अमेरिका से लिया गया है, इसमें एक ही चीज़ ऐड है। 15 में जाति धर्म और नस्ल लिंग और जन्म के स्थान पे क्या है आप बताओ, समानता है, यानी जाति धर्म और लिंग और जन्म स्थान के अनुसार कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशन में भेदभाव किए जाते हैं उसकी भी चर्चा आगे होगी। अनुच्छेद तौर पर लोक नियोजन के यानी सरकारी नौकरियों में सबको अवसर की समानता मिलेगी ये बात कही गई, लेकिन आप देखते हैं कि ओबीसी एससी एसटी को जो है आरक्षण दिया जाता है, ये भी 16 के ही तहत दिया जाता है कि ये लोग काफ़ी पिछड़े थे और इनको आगे बढ़ाने के लिए जो अनुच्छेद 16 के तहत जो है इनको आरक्षण दिया जा रहा है। 17 में क्या कहें, 17 अस्पृश्यता का अंत, ये तो बहुत बार पूछा गया, अस्पृश्यता का अंत किसमें, तो बताओ 17 में ही है। उपाधियों का अंत क्या मतलब है, कोई भी आप उपाधि जो है आप अपने जो है स्टिकर पे नहीं लगा सकते, लेकिन शैक्षिक तथा आर्मिक संबंधी जो है उपाधियां लिखवा सकते हैं, जैसे गाड़ी पे आप सब उपाधियां लिखवा ही नहीं देते हैं, वो उपाधि केवल आप शिक्षा संबंधित और आर्मी से रिलेटेड वाले ही लिखवा सकते हैं और कोई भी नहीं लिखवा सकते हैं। देखिए कहा गया कोई भी उपाधि सैन्य और शिक्षा क्षेत्र
को दी जा सकती है। भारतीय नागरिक को किसी भी देश का कोई भी उपाधियां स्वीकार नहीं करेंगे, ये चीज़ें याद करके रखना है। केवल शैक्षिक और क्या बताएंगे, शैक्षिक और जो है सैनिक संबंधी उपाधियां ही दी जाएंगी और कोई उपाधि नहीं। कोई व्यक्ति यदि भारत का नागरिक नहीं है तथा या भारत का कि किसी भी लाभ पद पर कार्य कर रहा है तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति पर कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। यदि कोई विदेश से उपाधि पा रहा है तो वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति पर उपाधि नहीं ले सकता है, ये बात कहा गया है। अब स्वतंत्रता के अधिकार कितने थे आप बताओगे, 7 थे, अब 6 ही बचे हैं। एक है, पहला है देखिए, अनुच्छेद 19 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों निम्न अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं। एक हट गया है उनकी, वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता किसमें, 19 के काम है। इसी में क्या कहा गया है, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है, मीडिया की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता 19 के काम में ही निहित है। खा में, बिना युद्ध हथियारों के सम्मेलन करने या संगठन सम्मेलन करने की क्या है स्वतंत्रता, जबकि संघ और संगठन व सरकारी समितियों समिति बनाने के लिए जो है 19 के गा में जो है कहा गया है। घा में, पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से आवागमन के, लेकिन इस पे जो है रोक लगा सकती है सरकार को लगता है युद्ध के समय या और किसी समय जब सरकार को लगता है सेफ नहीं, तो वहां पर जो है संगठन और जो है सम्मेलन करने से रोक सकती है। पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से आवागमन की स्वतंत्रता, अब पता चले जम्मू कश्मीर में युद्ध चल रहा है तो आप कह रहे आवागमन, तो इस के तहत सरकार क्या करती है, आपके रोक लगा सकती है स्वतंत्रता पे। भारतीय किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता जो है, ये कहा गया काखा गागा अंगा में। और चा में, किसी भी पेशे या व्यवसाय को चलाने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता किसमें की गई, तो आप बताओगे चा में। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अभी एक एक चीज की चर्चा की जाएगी कि पहले कौन था आप बताओगे, संपत्ति का अधिकार, लेकिन स्वतंत्रता वो समाप्त कर दी गई है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण किया गया है, अपराधों के अपराध कोई अपराध करते तो उसका संरक्षण कि एक बार में आपको जो है एक व्यक्ति को एक समय में एक ही सजा दी जाएगी, कई नहीं, एक अपराध के लिए। 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गई बात की गई है। इसी के तहत जो है 24 घंटे के अंदर जो है जिसको गिरफ्तार किया उसको जो कलेक्टर के पास जो है मजिस्ट्रेट के पास जो उपस्थित करना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद 21 के 1 में शिक्षा की स्वतंत्रता की बात की गई है। अब बात करते हैं, यह अनुच्छेद 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। कब, ये देखिए शिक्षा का अधिकार 21 में कब जोड़ा गया, तो आप बताओगे 86वें संविधान संशोधन जो है सन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। अब 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, कुछ मामलों गिरफ्तारी के विरुद्ध, अब इन सब की चर्चा पहले एक बार आप देख लें, फिर आप विस्तृत रूप से करेंगे कि आपको दो दो बार रिवाइज होती जाए। शोषण के विरुद्ध 23 से 24 में कहा गया, 23 में मानव दुर्व्यवहार बलात् श्रम निषेध, लेकिन 24 में बालकों को कारखाने में कार्य करने 14 वर्ष से कम है तो उनको निषेध किया गया है। पहले में बड़ों की बात किया यानी बलात्म, और दूसरे में यानी 24 में 21 में बच्चों के बारे में, यानी 14 वर्ष से कम है तो उनको किसी फैक्ट्री में, खतरनाक फैक्ट्री में काम नहीं करवाया जा सकता है। अब बात करते हैं इसमें 24 से 28 क्या है, तो बताओगे धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अंतःकरण और किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता, अब किसमें आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किसमें बताओ 25 में। धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता किसमें 26 में कहा गया है। और 27 में किसी भी विशिष्ट धर्म को अभिवृत्ति के लिए करों को संप्रदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी कोई भी धर्म कर दे या ना दे उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है किसमें 27 में। 28 में क्या कहा गया, कुछ धार्मिक शिक्षण संस्थाओं को धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, किसी भी धार्मिक उपासना हो रही है आप उपस्थित हो या ना हो ये आपकी स्वतंत्रता पर निर्भर आपके ऊपर है, आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता। अब बात करते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं। 19 से 30 के बारे में बात किया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, इसमें कहा गया 29 में अल्पसंख्यक है जितने से आप मुस्लिम वर्ग है या अल्पसंख्यक है सिख है अल्पसंख्यक है मुस्लिम वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया। देखिए आप कई जो है शिक्षा संस्थान जो धार्मिक से रिलेटेड खुल रहे हैं उनको
सरकार जो है प्रोत्साहन भी दे रही है लेकिन उस पर कभी टांग नहीं अड़ाती है। अब बात करते हैं 32 के बारे में, बात कर लेते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 में क्या संवैधानिक, अभी इन सबकी चर्चा, कितने रिट इसमें कहेंगे, 5 रिट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, ये कितने प्रकार के हैं तो आप बताओगे, 5 प्रकार के रिट हैं। किसके तहत, संवैधानिक उपचारों के तहत, जब आपका मौलिक का अधिकार हनन हो रहा तो इसके तहत आप जो है अधिकार अपना मांग सकते हैं। अब चलते हैं इसका डिस्क्रिप्टिव हम देखने वाले हैं। अभी देखिए बात हो चुकी है, पूरा एक एक अनुच्छेद आपने देखा, अब फिर से उसी को कुछ रिवाइज भी होगा, कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। अब बात करते हैं मूल अधिकार लिए कहाँ से गए हैं, तो उत्तर आप बताएंगे मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, तो अमेरिका से लिए गए हैं। व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार आवश्यक होते हैं, उससे क्या कहा जाता है मूल अधिकार। मूल अधिकार किसे कहते हैं आप बताओ, व्यक्तित्व को, यानी पर हमारे विकास के लिए जो आवश्यक होते हैं उसे मूल अधिकार कहते हैं। जैसे शिक्षा, आवास, चिकित्सा, सुरक्षा और भोजन और रोजगार, आप देखिए इन सबकी भी स्वतंत्रता किसमें, मौलिक अधिकार में दी गई है। तो आप बताएंगे व्यक्तित्व को विकास के लिए किसकी, तो बताओगे शिक्षा, आवास, सुरक्षा और भोजन की, रोजगार की आवश्यकता होती है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है या न्याय योग्य, यानी मौलिक अधिकार आपको ना दिया जा रहा है तो आप कोर्ट में जाके जो है इसको जबरदस्ती भी ले सकते कि हमको इस चीज़ का मौलिक अधिकार नहीं दिया जा रहा, मुझे घूमने का अधिकार है और सरकार मुझे घूमने नहीं दे रही है, मुझे संगठन बनाने का अधिकार, सरकार हमें कमेंट संगठन नहीं बनाने दे रही, तो आप क्या बताओगे कोर्ट से जाके लागू करा सकते हो। किसके तहत अभी बात होगी, देखिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में, जबकि 226 के अनुसार जो है उच्च न्यायालयों में जा सकते हैं। देखिए अभी इन सबकी चर्चा कर किया है मैंने, 226 के अनुसार जो है उच्च न्यायालय में आप जाके रिट दाखिल करते कर सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे, तो सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार का संरक्षक माना जाता है, कहा जाता है। 26 जनवरी 1950 को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में कितने हैं, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। 7वां जो है संपत्ति का अधिकार को जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब देखिए फिर से मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूँ, छा कौन समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, जबकि शोषण के विरुद्ध का अधिकार कितना 23 से 24। इसको 2 बार रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि चीज़ें टफ हैं। 25 से 28 क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 है, और संवैधानिक औपचारों का अधिकार किसमें आप बताओगे 32 में है, और 31 जो है क्या संपत्ति का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया 31 में। अब बात करते देखिए, अब बात हो रही संपत्ति के अधिकार को, 26 जनवरी 1950 को इसके समय मौलिक अधिकार कितने थे, 7 थे, संपत्ति का अधिकार शामिल, जिसका उल्लेख 19 के ए तथा अनुच्छेद 31 में था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में विधिक तथा जिसका उल्लेख 300 का में रख दिया गया, और 19 के 4 में अर्जित संपत्ति की चर्चा और अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है। चर्चा तो हमने बात किया था कि अभी सब चर्चाएं होगी, तो किसमें रखा गया है 300 के का में जो है विधिक अधिकार के रूप में या कानूनी अधिकार के रूप में चर्चा की गई, 19 के 5 में अर्जित संपत्ति की चर्चा, जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है। अब बात करते हैं 14 से 18, फिर से रिवाइज कर लीजिए। देखिए 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण, ये 2 बातें। विधि के समान समता किससे आप बताओगे, ब्रिटेन से, जबकि विधि के समान संरक्षण जो है किससे, अमेरिका से। कानून के नज़र में सभी लोग बराबर होंगे, कानून अमीर और गरीब के आधार पर नहीं, किसी को भेदभाव नहीं करेगा, इसका ये मतलब है। देखिए मैंने कहा था आगे आपको जो है इसका विस्तृत वेल मिलेगा, पहले आप जो है इसको 15 में क्या है, धर्म, धर्म, मूल जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे दुकानों, होटलों और सार्वजनिक आदि स्थानों पर धर्म, मूल जाति, वंश, जन्म स्थान या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का आपको रोक टोक नहीं किया जाएगा। रोक टोक कोई करता तो आप जाके जो है 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को, कोर्ट में, और 226 में के तहत जो है आप हाई कोर्ट में जो है अपील कर सकते कि मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अनुच्छेद 26-16 में लोक नियोजन के अवसर, लोक नियोजन में अवसर की स्वतंत्रता की बात की गई है। आप बताओ देखिए, जैसे सरकारी नौकरियों में सबको अवसर मिलेगा, अवसर देते समय राज्य योग्यता निर्धारण कर सकता है,
अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया था, अस्पृश्यता का जो है अनुच्छेद 17 में, जबकि अस्पृश्यता यानी छुआछूत है, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, अस्पृश्यता का निवारण किया जा सकता है। आपने देखा पहले जो है एससी एसटी के लोगों को बहुत हीन नजर से देखते थे, अब निम्न आधार क्या है, शिक्षा के द्वारा, जन जागरण के द्वारा और सम्मेलन आयोजित करके जो है आप बताओगे अस्पृश्यता का अंत, के कानून बनाकर इन सब के द्वारा जो है अस्पृश्यता का अंत किया जा सकता है। अस्पृश्यता के संबंध में कानून बनाने के संसद के पास शक्ति है। संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया, कब बना था अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, तो आप बताओ 1955 में। अब अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया, उपाधियों के अंत के बारे में बात किया है, पुरस्कार उपाधि की श्रेणी में नहीं आते, ये चीज़ याद रखो, पुरस्कार किसमें, उपाधि की श्रेणी में नहीं आते हैं। राज्य शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधियां दे सकता है, किसी अन्य क्षेत्र में नहीं, किसमें, शिक्षा और सेना के क्षेत्र में ही उपाधि दी जा सकती है और किसी अन्य क्षेत्र में उपाधियां नहीं दी जा सकती हैं। कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य में कोई भी उपाधि नहीं ले सकता, कोई विदेश, लेकिन हाँ लेना चाहता तो उसको राष्ट्रपति से अनुमति जरूर लेनी होगी, तभी उपाधियाँ ले सकता है। यदि लगता है कि राष्ट्रपति को तो उसको यस करेगा, नहीं तो नो। कोई विदेशी नागरिक जो भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर है, किसी भी विदेशी राज्य के कोई भी पुरस्कार या भेंट राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं ले सकता है। अब बात करते हैं, कोई विदेशी है तब भी वो भारत में रह रहा है, भारत में लाभ प्राप्त करा तब भी वो नहीं क्या करता कर सकता है, उपाधियाँ प्राप्त नहीं कर सकता है। स्वतंत्रता का अधिकार कब किसके, 19 से 22 के तहत है, और 19 में वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता, 19 के काम में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वाक स्वतंत्रता विचार यानी अपने विचार को प्रकट करने की स्वतंत्रता है, प्रेस और समाचार पत्र की स्वतंत्रता इसी के अंतर्गत है, बोलने की स्वतंत्रता, विचार देने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता और उसके बाद में ध्वज फहराने की स्वतंत्रता भी और जानने की स्वतंत्रता इसी के अंतर्गत है, यानी उस 19 के 1 के अंतर्गत ही है। अब बोल नेक्स्ट बोल देखते हैं, 19 के 1 का खा के अंदर शांतिपूर्वक सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, गा में और घा में जो है भारत में भ्रमण करने की, और अंगा में कहीं पर भी बसने की स्वतंत्रता जो है बात की गई है, और छा में जो है कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता की बात की गई है, कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता, और 20 में अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के लिए संरक्षण, यानी दोष सिद्धि का आपको जो है समय दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके कानून का उल्लंघन ना करे, तब तक कि वो कानून किसी भी प्रकार का कानून का उल्लंघन ना करे तब तक उसे दंड नहीं दिया जाएगा। उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा जो कानून के उल्लंघन पर, जो कानून उल्लंघन पर निर्धारित किया गया है पहले से कि हाँ इस कानून को, इस उल्लंघन करने पर कानून के तहत जो इसको दंड दिया जाएगा। एक बार कानून का उल्लंघन करने पर एक ही बार दंड दिया जाएगा, एक से अधिक बार दंड नहीं दिया, लेकिन विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। जैसे आप देखते हैं अब आरक्षण किसके तहत, तो बताओ महिला आरक्षण 15 से 15 अनुच्छेद 15 के तीसरे क्लॉज के तहत, जबकि ओबीसी एससी एसटी को 15-4 के तहत जो है, और शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण दी गई है, आप देखते 20% आरक्षण दिया गया है, तो शिक्षण संस्थानों में जो है एडमिशन की जो आरक्षण दी गई तो 15 के 5 के तहत, और आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण किसके तहत, तो 6 के तहत, तो इसको आप जरूर आप स्क्रीनशॉट ले लें, आरक्षण वाला किसके तहत, 15 के 3, 15 के 4, 15 के 5 और 15 के 6, इसको महिला संबंधी आरक्षण 15 के 3 में, 15 के 4 में ओबीसी एससी एसटी, जबकि शिक्षण संस्थाओं में 15 के 5, जबकि गरीब सामान्य वर्ग को 15 से 6। अब बात करते हैं 21 में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार निम्न मौलिक अधिकार प्राप्त है, कौन से, प्राण, देखिए शादी करने का अधिकार जो है ये भी मौलिक अधिकार में आता है, निजता का अधिकार यानी गोपनीयता का अधिकार भी जो है, और चिकित्सा पाने का अधिकार भी क्या है तो मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार यानी ये सुप्रीम कोर्ट के अनुसार है ये सब मौलिक अधिकार, इनका संविधान में उल्लेख नहीं था, प्रदूषण मुक्त जल पीने का अधिकार और आवास का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार, ये सब क्या है तो आप बताओ कि मौलिक अधिकार हैं, और फुटपाथ पर व्यापार करने का अधिकार भी क्या है, मौलिक अधिकार है, फांसी में विलंब का अधिकार भी ये मौलिक, फांसी में विलंब हो रहा है तब भी आपका ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अब 21 का के तहत जो है शिक्षा का अधिकार दिया गया है, बाद में जोड़ा गया छात्र, देखिए इसको रिवाइज में कराओ, 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के 1986 संविधान संशोधन के तहत सन 2002 में जो है इसको जोड़ा गया था।
अब बात करते हैं कुछ दशाओं में गिरफ्तारी या निवारक कानून में संरक्षण की बात की गई है। किसी भी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक वह कानून का उल्लंघन ना करे, ये बात किया गया है। लेकिन व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा तथा उसे मनपसंद वकील करने की आज़ादी भी मिलेगी। अनुच्छेद किसके तहत, तो बताओ कि यह अनुच्छेद 22 के तहत मनपसंद वकील को भी ये अपना हायर करने का अधिकार दिया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इन 24 घंटों के समय में नहीं जोड़ा, देखिए 24 घंटे पुलिस स्टेशन से मजिस्ट्रेट पहुंचने में लगा समय जो है 24 घंटे में नहीं जोड़ा जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि 23 से 24 में मानव दुर्व्यवहार या बेगार या बलात्श्रम, यानी किसी को बिना पैसे के बेगारी नहीं करवा सकते, बलात्श्रम ये निषेध किया गया 23 के तहत। यहाँ अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है, ये नागरिक हो चाहे गैर नागरिक हो, विदेशी नागरिक, सबको प्राप्त है। 24 में क्या है, बच्चों को जोखिम भरे उद्योगों में काम कराने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब चलते हैं, बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में। देखिए दोबारा रिवाइज हो रहा है, चीज़ें आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगी, क्योंकि आप जानते हैं जब तक रिवाइज नहीं होती तब तक चीज़ें भूल जाती हैं आपको। 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी धर्म के अभ्यास तथा प्रचार की स्वतंत्रता, किसमें, अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 के अनुसार सिखों को कृपाण तलवार रखने की को लेकर अधिकार प्राप्त है, इसी में 6 इंच का जो तलवार रखते हैं ये इसी के तहत धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों में प्रबंधन करने की स्वतंत्रता का उल्लेख भी इसी में किया गया है। कोई भी धार्मिक रूप से संगठित हो सकता है और संपत्ति भी खरीद सकता है, ये भी बात कर सकते हैं, अनुच्छेद 26 में है, तथा खरीदी गई संपत्ति का देख रेख भी कर सकता है धार्मिक संबंधित। 26-27 के तहत किसी विशेष धर्म के विकास के लिए करो में छुटकारा का प्रावधान 27 में, यानी कर आप दें या ना दें ये भी जो है आपके पास अधिकार है। कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने तथा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, किसमें 28 में। देखिए बात आगे करते हैं, सरकारी शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन कंडीशन बताया गया इसी में, धार्मिक शिक्षा सरकारी शिक्षण संस्थानों में नहीं दी जाएगी। अर्ध सरकारी शिक्षण संस्थाओं में बच्चों को पूछ कर, यदि बच्चे छोटे हैं तो माता पिता से पूछ कर, ये माता पिता से अनुमति लेनी होगी कि वो धार्मिक शिक्षा ग्रहण करना चाहते या नहीं। अब बात करते हैं, लेकिन न्यास ट्रस्ट के विद्यालय में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, यानी जो ट्रस्ट वाले विद्यालय हैं उनको धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। देखिए इसमें एक चीज़ कंसिडर, जो धार्मिक ट्रस्ट वाले जो विद्यालय हैं उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अब बात करते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो है किसमें, 29-30 में दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों को हितों का संरक्षण किसमें, 29 में कहा गया है, जबकि अब 30 में देखिए। अब बात करते हैं क्या है इसका मतलब, अल्पसंख्यकों की परिभाषा धर्म और भाषा के आधार पर दी गई है, जैसे मुस्लिम हो गया, सिख, ये सब क्या है अल्पसंख्यक। जो धर्म और भाषा पर अल्पसंख्यक हैं वह लोग अपनी भाषा लिपि संस्कृति कल्चर को नष्ट होने से बचा सकते हैं। नष्ट, देखिए अब कितने अल्पसंख्यक समुदाय हैं, तो टोटल 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी। देखिए 6 को याद कर लेना जरूरी है, पहला है मुस्लिम, बौद्ध, जैन, मैं तो रिवाइज करवा रहा हूँ, सिख, ईसाई और पारसी, और इसमें से आप खुद भी लगा सकते हैं, केवल हिंदू धर्म भारत में सबसे अधिक है और जितना छोड़ के सभी क्या हैं, तो आप बताओगे भारत में नाम मात्र की संख्या सबकी। अब नेक्स्ट बात करते हैं 30 में, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी मनपसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 30 में, यानी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदायों को स्कूल खोल सकते हैं तथा उनकी देख रेख भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है, तो अब बताओगे अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया संवैधानिक उपचारों का। डॉक्टर V.R. अंबेडकर ने जो है इसे अनुच्छेद 32 को किसका, संविधान की आत्मा कहा था। अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत जो हम सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जो है रिट दायर कर सकते हैं, जबकि मौलिक अधिकारों को दिलाने के लिए 5 रिट याचिका जारी की जाती है। 5 रिट को हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अब देखिए याचिका का अर्थ होता है आदेश या प्रलेख,
अब इन सबको बातें, पहला आज क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे हेबियस कार्पस कहा जाता है। बंदी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है बंदी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, यानी कि उसे पेश करो, बंदी को प्रत्यक्ष में लेके आओ। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं, परमादेश मीन्स होता है हम आदेश देते हैं। अब प्रतिषेध क्या मतलब होता है, मना करना, और जबकि उत्प्रेषण का तब पूर्णतया सूचित किया जाए। अब बात करते हैं, देखिए अधिकार परीक्षा, यदि किसी अधिकार परीक्षा कोई किसी दूसरे के पद पर बैठ के उसका कार्य करना है तो उसका अधिकार किस अधिकार से बैठे हो ये पूछा जाता है, तो पूर्णतया सूचित कीजिए किसी बात को, यानी उत्प्रेषण यानी कि ये कौन जारी करता, तो आप बताओगे। ये जो है हायर कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को दोनों जारी किया जाता है, ये चीजें याद करके रखना है। 33 में किसकी बात की गई है, सैनिक अर्धसैनिक बलों एवं खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकारों के प्रतिबंध के बारे में बात किया गया है, इनको सभी मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। देखिए 34 में मार्शल लॉ या सेना कानून लागू होने पर मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध की बात की गई है। 35 में मूल अधिकारों के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति, मौलिक अधिकार के संबंध में संसद की शक्ति किसमें, अनुच्छेद 35 में बात की गई है। प्यारे साथियों अब चलते हैं ढेर सारे MCQ भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें है आपको, भारतीय संविधान के न्यायालय में कौन सी प्रवर्तन ये है, मतलब किसको जबरदस्ती लागू या कानून के द्वारा लागू कराया जा सकता है, तो बात हो चुकी है मौलिक अधिकार को, लेकिन और इनमें से किसी को जो है कोर्ट के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। और कहेंगे मूल अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 12 से लेकर 35 तक है, और इसे न्यायालय के द्वारा जो है लागू करवाया जा सकता है, यानी परिवर्तनीय है। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, मौलिक अधिकार में निलंबन, कौन निलंबन कर सकता है, तो संसद कर सकता है, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, यानी कि कौन निरस्त करता है, तो आपको बता दूं राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है, यानी खत्म कर सकता है कुछ समय के लिए। नेक्स्ट अनुच्छेदों को, कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, 16 पर कि 17 पर कि 14 पर कि 15 पर, के अनुच्छेदों में कौन सा विधायन सत्ता पर, तो आप बताओगे 14 के तहत जो है सबको क्या स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, और नहीं तो सरकारी ये 14 अनुच्छेद ना, तो जिसको चाहती जिस पर प्रतिबंध लगा देती है, तो पूर्ण नियंत्रण आप जानते हैं इसी 14 के पे जो है, तो सत्ता पर नियंत्रण कौन लगाता है, तो आप बताओ 14 पे, 14 के तहत हम कानून पे के द्वारा अधिकार प्राप्त कर पाते हैं और संरक्षण भी प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन है देखिए, प्रस्तावना में समाजवाद शब्द के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने पर सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित होता है, किस अनुच्छेद को पढ़ने पर, तो कौन किस अनुच्छेद, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों 14, 15 और 16। 14 और 15, 14 में देखिए समानता का अधिकार, और 15 में जात, मूल जात, लिंग और के अधिकार पे, मूल स्थान के आधार पे जो है, और 16 में क्या कहा गया, 16 में जो है अवसर की समानता, इन तीनों को जो हम पढ़ेंगे तो क्या होता, समान वेतन के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार की परिभाषा मिलती, मौलिक अधिकार की परिभाषा मिलती है। अब बात करते हैं, कौन से अनुच्छेद किसी भी रूप में अस्पृश्यता का निषेध के लिए प्रावधान है, अस्पृश्यता का अंत की बात की गई, तो 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत की बात की है, अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत की परिभाषा 17 में, इसमें कहा गया है कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार सत्य नहीं है, तो पहला तो वाक और भ्रमण की स्वतंत्रता की बात की गई है, लेकिन देखिए भाषण अभिव्यक्ता की स्वतंत्रता की बात की, लेकिन अबाधित नहीं, बाधित किया जा सकता है, इसमें बाधित शब्द जो अबाधित लिख गया है ये चीज गलत है, ये हटा दोगे तो आप करेक्ट हो जाएगा। संघ बनाने की स्वतंत्रता है, यानी इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं, तो आप बताओगे बी करेक्ट नहीं, आबादी नहीं, इसको भी बाध्य किया, इसको भी भाषण और स्वतंत्रता, अभ्यर्थी स्वतंत्रता को भी सरकार चाहे कम कर सकती है, कंडीशंस होते हैं। अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में बात की गई, तो 23 से 24 में जो है, 23 में जो कहा गया है कि बेगार यानी अवध श्रम की बात की गई बड़े लोगों के, छोटे 24 में क्या कहा गया है, बच्चों को फैक्ट्रियों में 14 वर्ष से कम ये उम्र है तो उनको जो है रोका जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शोषण से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंधित है, तो बताओगे शोषण के, बच्चों का कहा गया तो बच्चों को 24 और बड़ों को क्या है 23 के तहत जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। अब बात करते हैं भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी भी खान या संकट में सेवा करने के लिए जो है रोका जाना प्रतिबंधित किया गया है, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चा है तो उसको जो है किसी भी
संकट में यानी कि जोखिम वाले कार्य से जो है फैक्ट्री में कार्य करने से रोका जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी हीबियस कार्पस जारी किया जाता है किसके, तो आप क्या बताओगे अतिरिक्त कर की वापसी के लिए दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के लिए भाषण की स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए या संपत्ति की हानि के लिए। यदि कोई पुलिस आपको दोषपूर्ण यानी बिना गलती के आपको गिरफ्तार कर लेता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है आप लागू कि जो है याचिका के थ्रू आपको मजिस्ट्रेट के सामने तुरंत पेश करने का आदेश दिया जाएगा। किसी व्यक्ति को अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परमादेश निम्नलिखित में से कौन सा है। अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी किया गया परमादेश क्या है, तो परमादेश आप बताओगे बंदी प्रत्यक्षीकरण है। तुरंत जो है इसको प्रत्यक्ष रूप से जो है सामने लाया जाए, इसका मतलब यह है न्यायालय जारी करता है कि तुरंत इसको जो है कोर्ट के सामने पेश किया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त किस याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा जारी कर सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अलावा कौन सा उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, तो आपको बता दूं उपरोक्त सभी उत्प्रेषण परमादेश प्राधिकार परीक्षा तीनों जो है किसके द्वारा आप बताओगे। इसमें पाँच छः में से चार जो है कोर्ट के ही द्वारा जारी किया था, तो आपको याद कर लेना है। रिट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अभी हम आदेश देते हैं का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, किस रिट का आदेश होता है हम आदेश देते हैं, तो बताओ परमादेश का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, यानी आप उत्तर क्या हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न समावेशों में से कौन सा समावेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है, अवैध व्यक्ति से सरकारी पद के लिए, तो आप बताओगे अधिकार परीक्षा। आपने सुना किस अधिकार से आपने जो है इस सीट को इस पद को हासिल किया, तो अधिकार परीक्षा के तहत अवैध व्यक्ति से जो है सरकारी पद से बचाने के लिए। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का में सक्षम कौन है, तो मौलिक अधिकारों में सक्षम करने का कब, तो संसद जो है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट को जारी किया जाता है, तो आप बताएंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा जो है न्यायालय के सामने जो है कैदी को उपस्थित करने का के लिए जारी किया था, तो उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा जो है ऐसा होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाएगा जिसके लिए सरकार तौर पर हक नहीं, जिसका सरकारी तौर पर उसका कोई हक नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिकार परीक्षा के तहत जो है उसको रोका जाएगा। मान लो कि गलत उसको ये पद प्राप्त नहीं लेकिन जबरदस्ती उस पद को हथिया लिया है और वो कार्य कर रहा है उस पर। मौलिक अधिकार का जो है किस भाग में वर्णन था, तो आप बताओ भाग तीन में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी, कहाँ पर मौलिक अधिकार को मिला था, तो बताओ अमेरिका में सबसे पहले मौलिक अधिकार प्राप्त किया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अवलोकित भाग माना है, किस भाग को सबसे अधिक अवलोकित भाग माना, तो इसी को मौलिक अधिकार को ही। अब तो 32 को इन्होंने जो है संविधान की आत्मा भी कह डाली थी। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, स्वतंत्रता का अधिकार आप बताओगे किसमें, तो 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात किया गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा एक करेक्ट हो जाएगा। 23 से 24 में आप बताएंगे क्या है, तो बताओ शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध। और वही बात 25 से 30 में धार्मिक स्वतंत्रता, 14 से 18 जो है समता का अधिकार प्राप्त है। अब बात करते हैं 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है, भारत में पैदा हुए सभी नागरिक को, केवल भारतीय नागरिक को, भारत में के निवासियों को, तो किसको प्राप्त है आप बताएंगे, तो इसका उत्तर 19 में जो है आप बताओ केवल भारतीय नागरिकों को, 19 में जितनी वर्णित स्वतंत्रताएं केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, ये याद कर लेना है। अब 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण है, तो आप क्या बताएंगे इसको, तो इसका उत्तर कार्यपालिका विधायिका दोनों के विरुद्ध जो है संरक्षण प्राप्त है, किसको अनुच्छेद के तहत जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है इसमें। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रेस की स्वतंत्रता किससे संबंधित, आप बताओ प्रेस की स्वतंत्रता बताओगे 19 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख किया गया। देखिए ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें सभी शामिल किए गए हैं। नागरिकों स्वतंत्रता संबंधी सभी अधिकार, नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है, तो इसमें सही अधिकार आप बताएंगे भाषण व विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, विदेश घूमने की स्वतंत्रता, ये तो बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार शामिल किया गया था लेकिन इसमें नहीं था। चलते हैं
ये एकदम सही अधिकार जो संविधान में पहले वर्णित, बाद में ये सब जो है शामिल किए गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आप बताएंगे, अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 32 में, इसी को संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। किसके द्वारा? तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा। अब बात करते हैं किसने, देखिए कहा गया है बी आर अम्बेडकर ने संविधान को हृदय व आत्मा की संज्ञा किसने दिया था? हृदय की तथा आत्मा की संज्ञा संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को दिया गया था, 32 को जो है कहा था इन्होंने। नेक्स्ट बात करते हैं, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? संपत्ति के मौलिक अधिकार को तो आप बताएंगे, क्या कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन जो है 1978 में संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। आप कैसे याद करेंगे, देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में, और जबकि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में। अब इसको भी याद करना, 4 और 2 6 होता है, तो 6 यहाँ पर याद हो जाएगा, नहीं तो दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होती है। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया था? तो सामान्य वैधानिक अधिकार विधिक अधिकार बना दिया गया था, तो संपत्ति के अधिकार को जो है विधिक अधिकार बना दिया गया था 44वें संविधान संशोधन सन 2002 में, नहीं 1978 में, डेट मैंने कब, 1978 में जो है संपत्ति के अधिकार को न्यायिक अधिकार बना दिया गया था। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार, संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार। तो इसका उत्तर है संपत्ति का अधिकार अब जो है मौलिक अधिकार नहीं रहा है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित किया जाता है? संवैधानिक प्रतिकार तो आप बताओगे, आपात स्थिति में जो है, और सेना सदस्यों का संबंध में जब सैनिक विधि लागू हो यानी कि मार्शल लॉ लागू हो तब जो है सभी तब आपको बता दूं संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है निलंबित रहता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, संवैधानिक संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश या समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? समादेश तो आपको बताओगे उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों इसको जारी कर सकते हैं। देखिए उच्च न्यायालय किसके तहत? 32 के तहत, जबकि उच्च न्यायालय आप बताओगे किसके तहत? 226 के तहत, लेकिन उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट कितने? 32 के तहत जो है जारी कर सकता है। चलते हैं, मूल अधिकार इनमें से कौन सा नहीं है? समता का अधिकार भी संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार अब नहीं है। चलते हैं, अब बात करते हैं कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन के बारे में बात करता है? तो आप बताओगे अनुच्छेद 17 में जो अस्पृश्यता है छुआछूत के अंत के बारे में बात किया गया है। मौलिक अधिकार को लागू करने वाला रिट जारी कर सकता है, कौन कौन जारी कर सकता है? तो उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, मौलिक अधिकार परिवर्तित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो इसका उत्तर उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को प्राप्त है। देखिए कुछ ही क्वेश्चन, 37 हो गए, 56 क्वेश्चन इसमें शामिल किए जाएंगे। भारतीय संविधान के प्रदत्त मूल अधिकारों को नियंत्रित निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है मौलिक अधिकारों को नियंत्रित करने की शक्ति। समानता का अधिकार जो है किसमें वर्णित है? तो 14 से 18 में समानता का अधिकार वर्णन किया गया है। देखिए आपको चीज़ें बहुत आसान लग रही होंगी, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं क्या? तो इसका उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार जो है दोनों के अधिकार में आते हैं, मूल अधिकार का प्रवर्तन जो है उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों के प्रवर्तन में आते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? मूल अधिकारों का संरक्षक कौन माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा न्यायपालिका, जो मूल अधिकारों का संरक्षक यानी कि कह सकते हैं कोई भी समस्या होती तो आप न्यायपालिका में जा सकते हैं, चाहे आप जानते हैं उच्च न्यायालय चाहे उच्चतम न्यायालय। मौलिक अधिकारों को निलंबन करने का आदेश कौन दे सकता है? तो निलंबन करने का आदेश राष्ट्रपति दे सकता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मूल अधिकारों के आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार भी जो है किसके पास है? तो बताओगे इसमें संसद के पास है, यानी आप उत्तर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है, किससे? धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में वर्णित है। अब बात करते हैं 24 वर्ष के कम आयु वाले बहुत से गरीब बच्चों को पटाखे बनाने के कारखानों में काम करते हैं, इन कारखानों में बच्चों को
काम देने के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो बताओ शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो है उल्लंघन होता है। किसमें बात किया गया? तो अनुच्छेद 24 में जो है शोषण के विरुद्ध, बच्चों से संबंधित शोषण के विरुद्ध। जबकि 23 में कहा गया बलात्श्रम की बात की, किसी को जबरदस्ती या किसी को बेगार पे नहीं रखा जा सकता। मौलिक अधिकार में कौन सी बात स्वतंत्रता नहीं है? इनमें से धरना देने का अधिकार, हड़ताल करने के अधिकार, विचार व्यक्त करने का अधिकार, शांतिपूर्वक। तो इसमें कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो उसका धरना देने, हड़ताल करने का अधिकार जो है इसमें शामिल नहीं है। यानी ऑप्शन क्या हो, बी करेक्ट हो जाएगा। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया था? किस वाद के तहत? तो केशवानंद भारती ने जो मौलिक अधिकारों में, केशवानंद भारती के माध्यम से ही जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार मिल गया था। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिक, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि 19 के तहत जितने भी अधिकार मिला है वो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार अब विधि का अधिकार है क्या? विधि यानी कानूनी अधिकार है। अब पहले का मौलिक अधिकार हुआ करता था। संपत्ति के अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद में रखा गया? तो बताओ 300 के का में रखा गया। कब रखा? तो आप बताओ कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में रखा गया था। निम्नलिखित में से संवैधानिक अधिकार लेकिन मूल अधिकार नहीं है, कौन सा संवैधानिक अधिकार है लेकिन मूल अधिकार नहीं है? तो आप बताओ संपत्ति का अधिकार संविधान में तो लिखा लेकिन मौलिक अधिकार अब नहीं है। मत देने का अधिकार क्या है? मत देने का अधिकार आप बताओगे नागरिक अधिकार है। किस प्रकार का आप बताओगे, नागरिक अधिकार या कानूनी अधिकार, लेकिन पहले नागरिक अधिकार ही माना जाएगा। अस्पृश्यता अपराध के अधिनियम के वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। सिविल अस्पृश्यता के अधिकार को आपके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया है। बात संविधान में मौलिक अधिकार है, तो आप बताओगे मौलिक अधिकार कब शामिल किए गए? तो मौलिक अधिकार मूल संविधान से ही शामिल है, का हिस्सा है। चलते हैं, अब बात करते हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो क्या परिवर्तित किए जाते हैं, यानी कि इसको लागू कराया जा सकता है? तो आप बताओगे मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 32 के तहत जो है लागू कराया जा सकता है। अब बात करते हैं समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है समानता का अधिकार? तो आप बताओगे उपरोक्त सभी धार्मिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता या सामाजिक स्वतंत्रता जो है, ये सभी जो है कि स्वतंत्रता देता है। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।